गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे टीजीए बीटा सिग्नलिंग पाथवे के बारे में, और इसी को स्मैट सिग्नलिंग पाथवे बोलते हैं। हाईलाइट ऑफ द लेक्चर क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इस रिसेप्टर का डिटेल स्टडी करेंगे कि रिसेप्टर कैसा है, कैसे ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से डिफरेंट है, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, और सिग्नलिंग कास्केड्स अप टू द लेवल ऑफ जीन ये कैसे ऑपरेट होगा उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसके डिफरेंट, इस रिसेप्टर के लिए डिफरेंट लीगेंट और उस डिफरेंट लीगेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के चलते जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा उस पर बात करेंगे कि अमूमन ये सिग्नलिंग पाथवे बहुत सारे फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अगर सेलुलर लेवल पर देखें तो एपोप्टोसिस रेगुलेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये सेल माइग्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ ECM सिंथेसिस के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, या जैसे अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कोरिलेट करके देखें तो ये किडनी के डक्ट फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये सिग्नलिंग पाथवे बेसिकली FSH रिलीज में भी रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, ये न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी सारे तमाम बातों को आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि ये सिग्नलिंग पाथवे में रिसेप्टर और सिग्नलिंग कास्केट्स को डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये बेसिकली TGF का ये मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, TGF का मतलब है सिंपल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये TGF का ये मतलब है। उसी तरह से अगर हम SMAD की बात करें तो SMAD, अभी बात करेंगे कि SMAD बेसिकली दो प्रोटीन से मिल के इस SMAD का नाम है। एक्चुअली SMAD का फुल फॉर्म अगर देखें तो SMAD को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सप्रेसर ऑफ मदर अगेंस्ट सप्रेसर ऑफ मदर अगेंस्ट डेकापेंटाप्लेजिक, ये इस तरह से इसका नाम है। SMAD का फुल फॉर्म अगर देखें ना तो एस मदर से एम है और अगेंस्ट ए है, और डेकापेंटाप्लेजिक बेसिकली सप्रेसर ऑफ मदर अगेंस्ट डेकापेंटाप्लेजिक इसका फुल फॉर्म है। अब सबसे पहले इस रिसेप्टर, इस पे इस सिग्नलिंग पाथवे के लिए जो रिसेप्टर है उसके बारे में बात करते हैं कि इसका एक्चुअली रिसेप्टर कैसा है। तो आइए देखते हैं कि दरअसल ये अगर इस सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, तो इस पे इसके लिए जो रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर कैसा होगा, ये सिंगल पास रिसेप्टर होता है। और ये रिसेप्टर बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि TGF बीटा और SMAD सिग्नलिंग पाथवे के लिए जो रिसेप्टर है ये फंक्शनली टेट्रामर के फॉर्म में वर्क करता है, पर ये एग्जिस्ट करता है मोनोमर के फॉर्म में, और वो भी ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। अब वो सिंगल पास एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हुए होता है। अगर हम देखें तो ये एक तरह का रिसेप्टर है जिसको हम R2 रिसेप्टर बोलते हैं, या टाइप 2, इसी को टाइप 2 भी बोलते हैं, टाइप 2 रिसेप्टर है या R2 रिसेप्टर। ये टाइप 2 रिसेप्टर है और ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसी में हम दिखा देते हैं, दो है, ये डाइमर है, ये ऐसा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलरली एग्जिस्ट करता है, और साइटोप्लाज्मिक डोमेन जिसके पास एंजाइमेटिक डोमेन है। दूसरा, ये इसके पास एक और है R1, ये R1
ये R1 रिसेप्टर है, इसके पास R1 रिसेप्टर है। ये भी डाइमेरिक फॉर्म में, दो फॉर्म में है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दो है। अब जैसे इस रिसेप्टर पे देखिए, ये एंजाइमेटिक डोमेन है, तो ये एंजाइमेटिक डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अंदर जो एंजाइमेटिक डोमेन हम लोग देख रहे थे वो टायरोसिन काइनेज था, लेकिन इसमें ये जो काइनेज डोमेन है वो सेरीन थ्रियोनीन है, सेरीन थ्रियोनीन है, ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखना चाहिए। दूसरा, ये R1 रिसेप्टर बेसिकली यही सिग्नल ट्रांसड्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके पास एक कंजर्व सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं GS सीक्वेंस। मतलब R1 रिसेप्टर रिच है ग्लाइसिन और सेरीन, जबकि ये रिच है सेरीन और थ्रियोनीन। ये अब देखिए, इस रिसेप्टर इनएक्टिव रिसेप्टर है, तो ये R1 अलग है और R2 अलग है, लेकिन जैसे कोई लिगेंड बाइंड करता है, लिगेंड कौन कौन सा हो सकता है इसके लिए? इसके लिए लिगेंड, सबसे पहला लिगेंड तो वही TGF बीटा, जिसके नाम पर बेसिकली इस सिग्नलिंग पाथवे का नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये एक लिगेंड हो सकता है। दूसरा एक लिगेंड हो सकता है BMP, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बोन मॉर्फो जेनेटिक प्रोटीन, बोन मॉर्फो जेनेटिक प्रोटीन। तीसरा एक्टिविन हो सकता है, एक्टिविन हो सकता है। चौथा नोडल हो सकता है, यही लिगेंड हो सकता है, TGF हो सकता है, BMP हो सकता है, बोन मॉर्फोजेनिक जेनेटिक प्रोटीन और एक्टिविन हो सकता है, साथ ही साथ नोडल प्रोटीन हो सकता है। तो मान लिया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये TGF-beta अगर लिगेंड है, तो लिगेंड को रिकॉग्नाइज करेगा रिसेप्टर 2, ठीक है। ये हो सकता है कि दो लिगेंड एक साथ आए, ये रिकॉग्नाइज किया, ये लिगेंड कौन सा है? TGF-beta, ये लिगेंड यहां बाइंड करता है। जैसे ये लिगेंड बाइंड करता है, तो बेसिकली होगा क्या कि ये दोनों आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू द रिसेप्टर 2, ये डाइमराइज कर जाएगा, ये दोनों के अंदर, ये दोनों R1 टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर डाइमराइजेशन होगा। और इस डाइमराइजेशन से क्या होगा कि देखिए, ये डाइमर है, ये डाइमर है, दोनों मिलके क्या बनाया? टेट्रामर। मतलब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि फंक्शनली ये रिसेप्टर टेट्रामर के फॉर्म में वर्क करता है। अब ये जैसे ये लिगेंड बाइंड कर जाता है, तो इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड हो गया, इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड हो गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड। अब जैसे इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड होगा, तो ये करता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ये क्या करता है कि R2 इसको फॉस्फोरिलेट करता है, इस एंजाइमेटिक डोमेन को फॉस्फोरिलेट करता है, स्पेशली इसके GS डोमेन में सेरीन को फॉस्फोरिलेट करता है, ठीक है। और ये जैसे सेरीन को फॉस्फोरिलेट करता है, यहाँ बहुत सारा सेरीन होगा जिसको ये फॉस्फोरिलेट कर देगा, ये जैसे फॉस्फोरिलेट कर देता है सेरीन को, मतलब क्या हुआ कि ये रिसेप्टर टाइप 1 एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेटेड एक्टिवेट हो गया ये रिसेप्टर टाइप 2। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है, ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये होता क्या है कि एक प्रोटीन होता है जो ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी, उसको बोलते हैं SMAD प्रोटीन, SMAD प्रोटीन। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि SMAD का क्या मतलब है, सप्रेसर ऑफ मदर अगेंस्ट डेकापेंटाप्लेजिक,
सप्रेसर ऑफ मदर्स अगेन अगेंस्ट डेका पेंटाप्लेजिक प्रोटीन है ये। ये एक्चुअली ये कॉम ये दो सोर्स से मिला हुआ प्रोटीन है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन है। एक सी एलिगेंस से एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं समा प्रोटीन। इस प्रोटीन ये समा और एक प्रोटीन है मैड प्रोटीन। इसी दोनों प्रोटीन से मिलके समा प्लस मैड इक्वल टू इस मैड। और ये मैड प्रोटीन बेसिकली कहाँ से आया है, ड्रोसोफिला से। ये ड्रोसोफिला का प्रोडक्ट है, ये ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का प्रोडक्ट है। तो ये स्मैड, अब देखिए अब टाइप ऑफ स्मैड देखे अगर तो स्मैड दरअसल तीन तरह का होता है। स्मैड तीन तरह का है, अगर स्मैड को देखे अगर डिटेल में तो स्मैड तीन तरह का है। एक को बोलते हैं हम लोग आर स्मैड का क्या मतलब है, रेगुलेटरी स्मैड। आर मीन्स रेगुलेटरी, या कभी कभी हम लोग ये भी बोल देते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग स्मैड, ये याद रहे आर स्मैड। दूसरा एक स्मैड है जिसको बोलते हैं कॉमन स्मैड। और ये तीसरा एक स्मैड है जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी स्मैड। देखिए ये तीन टाइप का स्मैड है, आर स्मैड, को स्मैड और इनहिबिटरी स्मैड। आर स्मैड कौन कौन से हैं, आर स्मैड बेसिकली कौन कौन सा प्रोटीन है। आर स्मैड में आता है स्मैड वन, दूसरा स्मैड टू, स्मैड थ्री, स्मैड फाइव और स्मैड एट, कभी कभी रेयर ऑफ रेयरेस्ट स्मैड नाइन भी है। मैंने इतना तरह का स्मैड बेसिकली रेगुलेटरी स्मैड्स बोलते हैं। दूसरा को स्मैड स्मैड फोर को बोलते हैं, स्मैड फोर इज नोन एज को स्मैड। तीसरा इनहिबिटरी स्मैड किसको बोलते हैं, स्मैड सिक्स और सेवन को। मतलब अगर यहाँ पे स्मैड सिक्स है और स्मैड सेवन है, मतलब ये स्मैड बेसिकली इनहिबिटरी स्मैड है, यही है। अब देखिए ओवरऑल स्मैड के बारे में बात करें तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो अप्रॉक्स 400 से 500 एमिनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन है, जिसके पास ये डाइमर फॉर्म में है और बीच में लिंकर से अटैच्ड होता है। अगर एक कार्टून बनाएं अगर स्मैड का, इसमें स्पेशली हम रेगुलेटरी स्मैड का बनाएं तो ये है कि ऐसा दिखता है, ये कार्टून में हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ये रेगुलेटरी स्मैड है, एक स्मैड की बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि स्मैड अगर ये टू है, ये स्मैड टू है, स्मैड टू इस तरह का दिखता है। अब इस स्मैड टू में हम बोल रहे हैं कि अगर ये प्रोटीन है तो इसका एन टर्मिनस होगा, इसके पास सी टर्मिनस होगा। इस एन टर्मिनस वाले पे एक स्पेशल रीजन होता है एन टर्मिनस तरफ, जिसको बोलते हैं MH1। और ये सी टर्मिनस के पास एक स्पेशल रीजन होता है जिसको MH2 बोलते हैं। MH का मतलब हुआ मैड होमोलॉगी 1। MH का फुल फॉर्म क्या हुआ, मैड होमोलॉगी 1। MH का मतलब मैड होमोलॉगी 1 हुआ, MH2 का मतलब हुआ मैड होमोलॉगी 2। और ये दोनों के बीच में लिंकर है, ये दोनों के बीच में लिंकर है। और इस ये चूंकि रेगुलेटरी स्मैड है तो इसके पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, इसके पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है जो याद रखना चाहिए, SSS सीक्वेंस। सेरीन एक्स एस, मतलब सेरीन
कंजर्व्ड सीक्वेंस है। तो इतना बात पता होना चाहिए स्मैट के बारे में, रेगुलेटरी स्मैट के बारे में। तो क्या हुआ, यहाँ लिगेंड बाइंड किया टेट्रामेर फॉर्म में आया, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड हुआ, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है, ये रिसेप्टार वन को एक्टिवेट किया। जैसे रिसेप्टार वन एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा कि इस पर पाया जाने वाला सेरीन को फॉस्फोरलेट करेगा, और ये जैसे फॉस्फोरलेट हो जाता है तो ये एक्टिविटी अब क्या होगा ये देखते हैं कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो रेगुलेटरी स्मैड है, स्पेशली अगर बोले, अगर एक कार्टून सिंपल सा कार्टून बना दे कि ये हमारा स्मैड टू है और ये स्मैड थ्री है, ये स्मैड टू और स्मैड थ्री बेसिकली इसके साथ बाइंड करेगा, और स्मैड टू और स्मैड थ्री जैसे बाइंड करेगा तो ये इसको फॉस्फोरिलेट करेगा, ये इसको फॉस्फोरिलेट करेगा। एक्चुअल सीन क्या है कि स्मैड टू और स्मैड थ्री एक प्रोटीन के साथ, सिक्वेस्टर्ड प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है जिसको सारा प्रोटीन बोलते हैं। ये बाउंड होता है एक प्रोटीन के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं सारा प्रोटीन। सारा प्रोटीन, ये प्रोटीन बेसिकली सिक्वेस्टर किए हुआ होता है, स्मैड रेगुलेटरी स्मैड को सिक्वेस्टर्ड किए हुए होता है, और ये सारा बेसिकली क्या है कि स्मैड एंकर्ड रिसेप्टर रेगुलेटर, या रेगुलेशन लिख देते हैं, स्मैड एंकर रिसेप्टर रेगुलेशन, सारा प्रोटीन है ये सिक्वेस्टरिंग प्रोटीन है, सिक्वेस्टर्ड किए होता है स्मैड रेगुलेटर को। अब देखिए ये जैसे फॉस्फोरलेट होता है तो सारा इससे डिसोसिएट कर जाता है, मतलब अब जैसे ये फॉस्फोरलेट किया इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज के चलते ये अब इससे डिसोसिएट कर हो गया, और आफ्टर फॉस्फोरिलेशन के बाद ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ से अब रिसेप्टर वन से डिअटैच्ड होके साइटोप्लाज्म में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना चाहिए। ये मिटाते हैं, ये समझने का है कि ये जैसे फॉस्फोरिलेट कर गया तो यहाँ से अब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्मैड टू और स्मैड थ्री फॉस्फोरलेटेड है बेसिकली, ये बाहर आ गया, ये डाइमर के फॉर्म में है, ये बाहर आ गया और ये सारा प्रोटीन इससे डिअटैच्ड हो गया। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर टीजीए बीटा लिगेंड है तब यहाँ पे रेगुलेटरी स्मैड आर स्मैड स्मैड टू और स्मैड थ्री होगा, लेकिन अगर बीएमपी है, बीएमपी लिगेंड है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन एज ए लिगेंड काम कर रहा है तो रेगुलेटरी स्मैड डिफरेंट होगा। अगर बीएमपी लिगेंड है तब स्मैड कौन सा होगा, स्मैड वन और स्मैड फाइव होगा, ये याद रखना चाहिए, ये होगा, ये डिफरेंट ट्रांसड्यूसिंग एज ए रेगुलेटर काम करेगा। अगर यहाँ पे बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन एज ए लिगेंड होगा तो स्मैट डिफरेंट होगा, बाकी अगर एक्टिविन होगा, नोडल होगा और टीजीएफ होगा तो ये रेगुलेटरी स्मैट टू और स्मैट थ्री ही होगा, ये याद रखना चाहिए। अब देखिए जैसे फॉस्फोरलेट कर गया तो यहाँ पे इसको एक और डिफरेंट को स्मैड आके ज्वाइन करता है, इसको एक को स्मैड आके ज्वाइन करता है जिसको हम लोग को समझना चाहिए, एक को स्मैड इसको ज्वाइन करता है, इसको स्मैड टू और स्मैड थ्री को एक को स्मैड आके ज्वाइन करता है इसको, जिसको बोलते हैं स्मैड फोर। स्मैड फोर आके इस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करता है। अब ये हेट्रोट्राइमर एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने लगेगा ये।
अब ये जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, इसका मतलब है ये सीधा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कॉज करेगा और अकॉर्डिंग टू द लिगेंड जो फर्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है TGF, एक्टिविन, BMP या नोडल, उसके हिसाब का जीन को ये एक्सप्रेस कराएगा। तो मतलब कि हम लोग ये जाने कि ये हमारा अगर न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, जीन है, जीन, ये जीन है, न्यूक्लियस पे स्पेसिफिक जीन है, इस जीन के पास प्रोमोटर होता है, जीन के स्पेसिफिक साइट पे प्रोमोटर है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज लगता है और फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा। RNA यूकैरियोट्स है तो चूंकि RNA पॉलीमरेज 2 लगेगा mRNA सिंथेसिस के लिए, अब इस प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज 2 लगेगा। उससे पहले यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज 2 लगने से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगता है ताकि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हो सके। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SMAD4, SMAD2, SMAD R, जिसमें ये दोनों रेगुलेटरी SMAD है और ये को SMAD है, ये क्या करेगा कि ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आएगा और इस प्रमोटर पे लगेगा। लेकिन स्टोरी इतना सिंपल है नहीं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इंटर होना चाहता है, अगर उसका वेट, अगर मॉलिकुलर वेट 50 किलो डाल्टन से ऊपर है, तो वो दरअसल डायरेक्ट न्यूक्लियर पोर को क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए, इम्पोर्टर चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टीन और एक्सपोर्टीन चाहिए, कार्योफेरीन फैमिली का कोई प्रोटीन चाहिए, चाहे बाहर से अंदर ले जाए या अंदर से बाहर लेके आए, इस तरह का एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है जिसको कार्योफेरीन फैमिली बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्टीन इम्पोर्टीन आता है, ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाना है, तो यहाँ दरअसल इसको जाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि इम्पोर्टीन का मदद लेना पड़ेगा। उससे पहले आपको बताएं कि कोई भी जो प्रोटीन यहाँ के लिए टारगेट होना होता है, इस प्रोटीन को हम लोग कार्गो प्रोटीन बोलते हैं, और ये कार्गो प्रोटीन पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको NLS सीक्वेंस बोलते हैं, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस, NLS सीक्वेंस। तो इस कॉम्प्लेक्स में SMAD और SMAD3 और 4 के पास, इस प्रोटीन के पास एक स्पेशल NLS सीक्वेंस होगा, NLS न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस। ये दरअसल इस NLS सीक्वेंस, ये किसी प्रोटीन में NLS सीक्वेंस मोनोपटाइट हो सकता है या बाईपटाइट हो सकता है, और ये बेसिकली NLS से बाइंड करेगा इसके केस में एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं इम्पोर्टीन बीटा। इम्पोर्टीन बीटा दरअसल इस प्रोटीन को, अगर कार्टून के फॉर्म में दिखाए तो इस प्रोटीन को यहाँ लेके आएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म में ला देगा। अगर सर्कुलर फॉर्म में दिखा दे ये तीनों को, जिसमें कि ये रेगुलेटरी है, ये रेगुलेटरी है, ये को है, को SMAD है, मतलब कि SMAD2, SMAD3 और प्लस SMAD4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह यहाँ आ गया। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में आते ही ये कार्योफेरीन फैमिली का जो इम्पोर्टीन बीटा है, ये इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लाया। लेकिन यहाँ आने के बाद एक प्रोटीन से इसको मुलाकात होती है जिसको RAN-GTP बोलते हैं, RAN-GTP। ये RAN-GTP क्या करता है कि RAN-GTP एफिनिटी शो करता है इसके साथ जो प्रोटीन है, इम्पोर्टीन बीटा के साथ। अब जब इम्पोर्टीन बीटा के साथ RAN-GTP एफिनिटी शो करता है, तो इसका मतलब है कि ये बाइंड करता है, तो कन्फर्मेशनल चेंजेज आएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्या होगा
कि ये इम्पोर्टीन अलग हो जाएगा और रैन जीटीपी अलग हो जाएगा। अब जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म में आ गया, अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक बात बताए कि यहाँ आने के बाद यहाँ पे ये प्रोमोटर पे ये प्रोटीन आके, ये तीनों प्रोटीन आके प्रोमोटर पे लग गया। अब इस लगने के बाद होता क्या है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिवेटर इससे बाइंड करेगा। इस एक्टिवेटर पे बाइंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि जैसे ये हमारा स्मैड 2 है, स्मैड 3 है और स्मैड 4 है, ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है। ये तीनों का कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये प्रोमोटर पे लगेगा तो इस प्रोटीन पर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है ना स्मैड, अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाए तो इसके बीच में बेसिकली लिंकर होता है। अब ये लिंकर का फॉस्फोरिलेशन बेसिकली इस लिंकर पे पाया जाने वाला सेरीन थ्रियोनीन, यहाँ पे इस लिंकर में सेरीन और थ्रियोनीन को फॉस्फोरिलेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाने वाला काइनेज जिसको CDK8 और 9 बोलते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 8 और 9 इस लिंकर पे सेरीन को फॉस्फोरिलेट कर देगा। अब ये जैसे इसको फॉस्फोरिलेट कर देगा तो इसके साथ अब आसानी से एक्टिवेटर बाइंड कर जाएगा। अब इसके साथ एक्टिवेटर बाइंड कर जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिवेटर का मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के रेट को जो बढ़ा दे, इन्हांस कर दे, ट्रांसक्रिप्शनल मतलब mRNA सिंथेसिस के रेट को बढ़ा दे, ये एक्टिवेटर है। तो यहाँ पे इसका फॉस्फोरिलेशन बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के साथ एक्टिवेटर को प्रोमोटर पे बाइंड करा दिया। इतना ही नहीं, सेकेंड राउंड ऑफ फॉस्फोरिलेशन अगर हुआ इसके अंदर, अगर सेकेंड राउंड ऑफ फॉस्फोरिलेशन अगर इस लिंकर पे हुआ तो इसके लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम है GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3। ये क्या करता है कि ये भी एफिनिटी शो करता है कि इस लिंकर पे बाइंड करा दे, इस लिंकर पे पाए जाने वाला सेरीन पर को फॉस्फोरिलेट करा दे। और ये जैसे फॉस्फोरिलेट कराता है तो इसका सेकेंड राउंड ऑफ फॉस्फोरिलेशन का मैसेज ये है कि इस प्रोटीन को टैग कर देना है, मतलब अब इस प्रोटीन का E3 लाइगेज सिस्टम से यूबिक्यूटनाइजेशन करना है और इस प्रोटीन को 26x प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स से डिग्रेडेट करना है। तो मैसेज नंबर 1, इफ लिंकर इज फॉस्फोरिलेटेड बाय CDK8 और 9, इसका मतलब है कि एक्टिवेटर और रिप्रेसर बाइंड करेगा। लेकिन अगर सेकेंड राउंड ऑफ फॉस्फोरिलेशन हुआ भाया GSK3 का इंजाइम, इसका ये मतलब है कि इस प्रोटीन को टैग कर रहे कि इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है भाया यूबिक्यूटनाइजेशन E3 लाइगेज सिस्टम, और यूबी ग्रुप ऐड होगा और उस यूबी ग्रुप ऐड होने के बाद क्या होगा कि 26s प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स से इसका ये डिग्रेडेशन होगा। तो अब क्या हुआ, इस प्रोमोटर पे जैसे ये कॉम्प्लेक्स लगा, अब ये क्या करेगा कि जीन का एक्सप्रेशन करेगा, मतलब ये क्या करेगा, अगर इधर दिखाए, इधर थोड़ा स्पेस कम है, तो ये जैसे प्रोमोटर पे लगा मतलब डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हुआ। और ये जीन एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये जीन एक्सप्रेशन डिफरेंशियल है, जैसा लिगेंड इन्फॉर्मेशन लेके आया उस हिसाब से ये काम होगा। मान लिया कि जैसे एपोप्टोटिक रेगुलेटर के लिए प्रोटीन बनाना है, सेल साइकिल के लिए प्रोटीन बनाना है या सेल अरेस्ट के लिए प्रोटीन बनाना है, अगर हम बोले कि ये जीन एक्सप्रेशन किसके लिए हो रहा है, अगर होगा कि सेल अरेस्ट प्रोटीन बनाना है, सेल अरेस्ट प्रोटीन मतलब कि ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, जो इम्पॉर्टेंट 2 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन इस TGF बीटा पाथवे से बनता है वो P21
और P15, ये बेसिकली ये दोनों प्रोटीन क्या करता है कि सेल साइकिल को G1 से S फेज में कॉमेंस नहीं होने देता, ये ब्लॉक करता है। ऐसा क्यों? कि ये स्पेसिफिक CDK को साइक्लिन डी के साथ CDK4 और साइक्लिन डी के कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देता, और साथ ही साथ CDK2 और साइक्लिन ई के कॉम्प्लेक्स को भी ब्लॉक करता है। इससे क्या हो गया, प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S फेज विल हॉल्ट और ब्लॉक्ड, और इस हिसाब से सेल साइकिल को ये चेक पॉइंट की तरह काम करता है कि सेल प्रोग्रेशन ब्लॉक होगा। इतना ही नहीं, अगर हम कहें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भाग लेने वाला सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्सेज है, जैसे कोलाजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से फाइब्रोनेक्टिन है, ये दरअसल सेल टू सेल इंटरेक्शन या सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन, सेल को एक प्रॉपर फिक्स्ड पोजीशन देने के लिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए भी जो सिग्नलिंग पाथवे है वो TGF बीटा से ही ऑपरेट होता है। तो ये सारा, या अगर हम बोले तो किडनी का डक्ट का फॉर्मेशन जो इनिशियल लेक्चर में बात की है, उसी तरह से अगर बात करें तो ये जो हमारा BMP है, ये BMP ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड बहुत सारे कामों के लिए है। जैसे BMP भी अलग अलग तरह का है, जो हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, BMP4, BMP7, और ये BMP4 अगर एज ए लिगेंड है तो उसका रोल अलग है, BMP7 अगर लिगेंड है तो उसका रोल अलग है। तो डिफरेंट फंक्शनल रोल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ BMP का एक आता है। जैसे कि अगर बात करें तो बोन फॉर्मेशन के लिए BMP4 है, BMP4 बेसिकली बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से BMP7 की बात करें तो बेसिक स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह से ये इसकी बात करें जैसे कि नोडल एज ए लिगेंड अगर काम करता है तो वो वर्टिब्रेट के अंदर लेफ्ट और राइट एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्टिविन की बात करें तो बेसिकली FSH रिलीज में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज में ये सिग्नलिंग का एक्टिविन अगर एज ए लिगेंड है तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तमाम बात TGF बीटा सिग्नलिंग और स्मैट सिग्नलिंग पाथवे के अंदर इम्पोर्टेंट बात और डिटेल बात जो CSIR, नेट और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम एट द लेवल ऑफ MSc के अंदर जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सब एग्जामिनेशन के अंदर इस सिग्नलिंग पाथवे से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।